हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई एम कुमार मधुकर और आप देख रहे हैं वी डिज़र्व यूट्यूब चैनल। और आज मैं इस चैनल के अंतर्गत पिछले दो वीडियो के बारे में एक ब्रीफ आइडिया और कुछ क्वेश्चंस पुट अप कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने देखा कि हमने प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री दोनों के बारे में पढ़ा, फिर हमने देखा कि स्टोन एज से रिवर वैली सिविलाइजेशन तक कैसे पहुँचे या क्या डिवीज़न था, करेक्ट। तो इसको रिकैप्चुलेट कर लीजिएगा मेरे प्रीवियस टू वीडियोस को लेकर। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिससे रिलेटेड जिसके ऊपर कुछ सर्टेन फैक्ट्स और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा। और आपको ओरली कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनना है, और हो सके तो अपना कॉपी पेन साथ में रखिए और नोट डाउन कर लीजिए सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे फैक्ट्स। स्मॉल फैक्ट्स मेक योर बिल्डिंग ग्रेटर, स्ट्रॉन्गर एंड बिगर, है ना। तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो बेसिकली कुछ भी नहीं है, बल्कि आपके बेस को, आपके घर के बिल्डिंग को, प्लिंथ को मैं मजबूत करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आने वाले क्लासेस में या आने वाले एग्जामिनेशन में आपको ये फील ना हो कि हमने कुछ छोटे छोटे शॉर्ट मिस्टेक्स कर दिया, कॉमन एरर कर दिया, या माइनर मिस्टेक हो गया, या कुछ ऐसे फैक्ट्स आ गए जो कि हमने फिफ्थ सिक्स या सेवन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा था, करेक्ट। चलिए, तो मेरा प्रीवियस दो वीडियो से क्वेश्चन ये है कि आप ये बताइए कि प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री में जो डिफरेंस हमने डिस्कस किया उसमें व्हाट आर द सोर्सेज फॉर प्री हिस्ट्री पीरियड। प्री हिस्ट्री पीरियड का जो भी हमको जानकारी मिली है, व्हाट आर द सोर्सेज, करेक्ट। और जो सेकंड वीडियो था वो था स्टोन एज से लेके रिवर वैली सिविलाइजेशन। So, can you tell me in which age fire was invented या discovered? ये मेरा दूसरा क्वेश्चन। चलिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। जैसा कि हम पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टोटल वर्ल्ड में चार ऐसी सभ्यता है जिसके बारे में हम लोग क्लास सिक्स से पढ़ना शुरू करते हैं, वो है मेसोपोटामिया, इजिप्शियन, चाइनीज, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर इन चारों की बात करते हैं तो चारों अलग अलग जगह पे, और सर्टेनली और पर्टिकुलरली कह सकते हैं इट वाज लोकेटेड नियर द बैंक ऑफ अ रिवर, करेक्ट। इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन बनाया है पीटी के लिए, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या पिछले दो वीडियो से रिलेटेड या हिस्ट्री से रिलेटेड। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर मैं इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन MCQs मैंने डाला है और आप अपने आप को चेक कर सकते हैं, करेक्ट। तो इन चारों में सब सिविलाइजेशन जो है वो कोई ना कोई रिवर पे लोकेटेड था। अब इन चारों में सबसे ओल्डेस्ट कौन है ये भी मैंने बताया। अब आते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हमारे एशियन कंट्री या इंडिया और पाकिस्तान, अफगानिस्तान से रिलेटेड है, करेक्ट। तो एशिया का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैली सिविलाइजेशन है वह इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता का जो लोकेशन अगर आप देखें तो इसका लोकेशन देखेंगे कि आज के डेट में इंडिया के नॉर्थ वेस्ट, मतलब राजस्थान के वेस्टर्न साइड, पाकिस्तान का एरिया को कवर कर, पाकिस्तान के एरिया को कवर करता है, करेक्ट। और चूंकि इंडस वैली है, इसका मतलब इंडस रिवर, जो सिंधु रिवर जिसको बोलते हैं, उसके आसपास ही लोकेटेड होगा। तो इसके चार पाँच जो नदियाँ हैं, पंचनाद जिसको बोलते हैं, सतलम, झेलज, है ना, ब्यास, इन सारे सब नदियों जो भी ट्रिब्यूटरीज बनते हैं, इन सब के आसपास इनका सेटलमेंट रहा है। चलिए, जब आपको मैप में आप जब देखेंगे, हालांकि मैप यहाँ आपको मैं अपलोड करके दूंगा, आप देख रहे होंगे मैप में दिखेगा भी, तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सपेंशन है। मैप में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नॉर्दर्न मोस्ट जो पार्ट है वो आज का जम्मू वाला रीजन पहुंचता है, जबकि अगर आप साउथ में देखेंगे तो गुजरात वाला एरिया को कवर करता है, है ना। वही वेस्ट की बात करते हैं तो आप वेस्टर्न में आप देखेंगे कि क्या है, ये पाकिस्तान को थोड़ा सा क्रॉस करते हुए ईरानियन बॉर्डर तक पहुंच गया है, जबकि ईस्ट में दिल्ली को पार करते हुए आलमगीर माना जाता है, जहाँ पे मीन्स कि इसकी चौहद्दी है जो चारों तरफ इसका लोकेशन देखने को मिलता है, करेक्ट। जहाँ तक एरिया की बात करते हैं तो एरिया में आप देखेंगे कि मेसोपोटामिया सभ्यता, जो कि ओल्डेस्ट वन माना जाता है, तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन के दोनों के एरिया को अगर हम एक साथ ले लेते हैं तब पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से बड़ा है। मतलब व्हेन इट इज़ टेकन टुगेदर बोथ, देन इट विल फाइंड दैट इंडस वैली इज बिगर देन बोथ, करेक्ट।
तो ये आपका लोकेशनल और एस्पेक्ट, लोकेशनल एस्पेक्ट से हो गया और साइज के। और इसका जो डेवलपमेंट पीरियड के बारे में अगर देखें, जैसे हमने देखा था पिछले वीडियो में पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज, उसका क्या ड्यूरेशन था ये भी मैंने डिस्कस किया। अगर एग्जांपल के तौर पर मैं बताऊं तो न्यूलिथिक क्या होता है भाई, है ना, तो 8000 से लेकर 4000 BC तक के एज को हम न्यूलिथिक एज बोलते हैं। तो सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो आज से 5000 साल पहले की बात है। मतलब अगर आज के डेट में 2021 है तो मतलब लगभग 2000 हो चुका है, तो जब इसमें शुरू हुआ था उसके 3000 पहले, करेक्ट, 3000 पहले तो वो सभ्यता शुरुआत हुई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन का, राइट। तो आप अपने बुक में भी देखेंगे तो हर जगह 5000। अब आते हैं यहाँ के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जैसे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं टाउन प्लानिंग के बारे में या डिवीज़न के बारे में, तो मैं आपको बता दूँ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन न केवल एक सिविलाइजेशन था बल्कि वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन था। यहाँ पे ट्रेडिंग डेवलप फॉर्म में देखने को मिला, टाउन सिटीज़ डेवलप फॉर्म में देखने को मिला, और उसके बाद आप देखेंगे सभ्यता, कल्चर, रिलीजन भी जो है वो उस समय के लिए एक डेवलप या मॉडर्न माना जा सकता है, करेक्ट। आते हैं सबसे पहले हम देखें कि उसका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो लोकेशन था, जो कि नॉर्थ वेस्ट पार्ट में अभी को देखने को मिलता है हमें या पाकिस्तान वाले पार्ट में मिलता है, उसका जो एविडेंसेज है, जो मैंने पहले ही बोला कि प्री हिस्ट्रिक पीरियड में जो एविडेंसेज होते हैं वो आर्किटेक्चरल होते हैं, आर्कियोलॉजिकल होते हैं, करेक्ट। तो सबसे पहले जो एविडेंस मिला इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो किसी का नाम नहीं आता है, बल्कि ब्रिटिश ने 1850 में ये लाहौर से मुल्तान, है ना, जहाँ तक मुझे याद है, यस, लाहौर से मुल्तान 1850s के, मतलब 50 के डिकेडल में, डिकेड में रेलवे लाइन तैयार किया जा रहा था। पता ही है क्यों तैयार किया जा रहा था। उस दरमियान जो है ये कुछ ऐसे ब्रिक्स मिले जो कि बहुत ही रेक्टेंगुलर शेप में वेक्ट मिला, मतलब पका हुआ, जिससे ये लगा कि भाई कुछ तो ऐसा आता रहा होगा यहाँ पे कभी भी। हालांकि इट वाज नॉट मच एक्सकवेटेड एट दैट टाइम, और उसका इस्तेमाल रेलवे लाइन में भी किया गया कहीं कहीं पे। लेकिन इन द कोर्स ऑफ टाइम में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि आपको पता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ही, गवर्नर जनरल के द्वारा ही सेटअप किया गया था, उसके दयाराम साहनी जो कि 1921 में उन्होंने मोहनजोदड़ो के पास एक्सकवेशन किया और उसका क्या बोलते हैं डिस्कवरी किया, करेक्ट, सॉरी हड़प्पा, करेक्ट। तो हड़प्पा का उन्होंने खोज किया दयाराम साहनी। वहीं पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो दूसरे हैं राखाल दास बनर्जी, उन्होंने मोहनजोदड़ो के पास स्टडी किया, एक्सकवेट किया और वहाँ का खोज किया, करेक्ट, जहाँ के आप लोग पढ़ते होंगे ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी, ये सब हम आगे भी डिस्कस करेंगे, आगे भी आपको मैं फास्टली बताऊँगा कॉन्सेप्ट के तौर पर। अब आते हैं हम लोग एविडेंसेस में ही, तो आप देखिएगा कि मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, उसी तरह से लोथल में डॉकयार्ड था, तो डॉकयार्ड का भी खोज किया गया जो लोथल गुजरात में है, ये आपको पता ही है। तो इन सब चीज़ जो है डिस्कवरी के आधार पे ये पता चला कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का लोकेशन यहाँ पे इस तरह से रहा करता था। इसी में जो हम लोगों ने देखा कि भाई इन स्टडी के दरमियान या डिस्कवरी के दरमियान या एक्सकवेशन के दरमियान बहुत ही अजीबो गरीब और बहुत ही सरप्राइजिंग कह सकते हैं वहाँ का सेटअप मिला। तो दिखा गया कि जो भी सेटअप मिल रहा है आइदर इन स्क्वायर फॉर्मेट और इन रेक्टेंगुलर फॉर्मेट। तो अगर इसको हम डिटेल में बोले तो वहाँ पे अगर सेटअप सेटलमेंट की बात करते हैं तो विलेज के फॉर्मेट में और टाउन के, सिटीज़ के फॉर्मेट में। अब टाउन में, विलेज में, जहाँ भी कहीं स्टडी किया गया तो ये पता चला कि ज़्यादातर घर जो हैं या किसी भी तरह का जो बिल्टअप है वो या तो स्क्वायर शेप में है या रेक्टेंगुलर शेप में है। इट मीन्स कि ये बहुत ही मैनेज ढंग से और कह सकते हैं आर्किटेक्चरली इट वॉज रिच एट दैट टाइम, करेक्ट। इवन अगर आप देखेंगे जो नाला बना हुआ था, जो रोड बना हुआ था, वो क्रिस क्रॉस था इस तरह से, है ना, एक दूसरे को काटता हुआ, ऐसा नहीं कि इस तरह का रोड जा रहा है या थोड़ा सा पैरेलल हो रहा है, ऐसा नहीं, एकदम पैरेलल हो रहा है तो इस तरह से पैरेलल हो रहा है और कट हो रहा है तो इस तरह से कट हो रहा है, मीन्स इस एंगल में आपको कहीं भी नहीं मिल रहा है। मतलब ये हुआ कि इट वॉज वेल प्लान, सो सिटी वॉज वेल प्लान। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितने भी स्ट्रक्चर देखने को मिले, चाहे वो ग्रेट बाथ हो, ग्रेट ग्रेनरीज हो, उसमें वेक्ड ब्रिक, मतलब पका हुआ ईंटा का इस्तेमाल भी देखने को मिला,
कर इतना ही नहीं बल्कि कोल तार का इस्तेमाल भी मिला। ग्रेट ग्रेनरीज सॉरी ग्रेट बाथ जो मिला मोहनजोदड़ो में, वहाँ पे जो फ्लोर होता था या दीवार जो पानी को स्टोर करने के लिए होता था वो पोरस ना हो या वाटर प्रूफ हो, इसके लिए बिटुमिनस या कह सकते हैं कोल तार का इस्तेमाल किया गया। मतलब कोल तार वॉज डेवलप एट दैट टाइम, इजंट इट। तो ये चीज़ आपको वहाँ के सेटलमेंट में, मतलब क्या हुआ, टाउन वॉज वेल प्लान। टाउन में ये भी देखा गया कि उसका जो सेटअप था सेटलमेंट रहने का, एक ऊंचाई एरिया आप देखने को मिला, एक लोअर एरिया आप देखने को मिला। मतलब ये अंडरस्टैंड किया गया या इंटरप्रेट किया गया कि ऊंचाई पे रहने वाले वेल रिच या अर्बन लोग थे या हायर अथॉरिटीज़ वाले थे, वेल गुड थे, है ना, जबकि लोअर एरिया में रहने वाले गरीब तबके के लोग या गाँव के लोग इस तरह के थे, करेक्ट। अब ये चीज़ हो गया, प्लानिंग हो गया, सेटअप हो गया, सेटलमेंट हो गया। अगर हम लोगों के रहने की बात करते हैं तो लोगों के रहने की बात में तो आपको पता ही है कि व्हील का डेवलपमेंट, फायर का डेवलपमेंट पहले स्टोन एज में हो चुका था और कॉपर वगैरह बहुत कुछ डेवलप हो रहा था, है ना। तो वहाँ पे जो देखने को मिला वो था एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ दैट टाइम एंड देयर आफ्टर इट वॉज ऑल्सो नोटिस दैट कि नॉट ओनली एग्रीकल्चर, इनफैक्ट ट्रेड वॉज ऑल्सो इन पिक्चर। And trade, not only internal trade, in fact, intra trade was also there. Export import was also there. And the evidence of this was dockyard in Lothal, Gujarat. Dockyard जो मिला पता लगा कि भी क्यों dockyard बनाया गया होगा, क्या जरूरी है। अगर ancient लोग हैं, Indus Valley civilization के लोग ज़्यादा develop नहीं होंगे तो उनको बाहर से क्या लेना है। But it was observed. In fact, कुछ evidence मिले जैसे gold का in glots या कुछ यहाँ के beads जो थे वो Mesopotamia में मिला, है ना। मेसोपोटामिया का इंग्लॉट्स कुछ यहाँ पे मिला इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट पे। इसका मतलब था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो ट्रेडिंग था सिर्फ अपने एरिया तक लिमिटेड नहीं था बल्कि बाहर भी जाता था ईरानियन बॉर्डर के तरफ और मेसोपोटामिया तक इसका इन रीच में रीच था, करेक्ट। तो मतलब ट्रेड वॉज ऑल्सो रिच, एग्रीकल्चर एक्टिविटी वॉज द मेन ऑक्यूपेशन। अब ट्रेडिंग में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट था वो था कॉटन, राइट। जैसे एग्रीकल्चर में आप देखेंगे बार्ली वीट वगैरह इंपॉर्टेंट क्रॉप था, मेन क्रॉप था जिसका कल्टीवेशन हुआ करता था, करेक्ट। तो ये चीज़ हो गया आपका एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड। स्क्रिप्ट, जहाँ तक एविडेंस की बात करते हैं तो हमें एविडेंस कहाँ से मिला है, आर्कियोलॉजिकल। तो मतलब जो स्क्रिप्ट वहाँ रिटन मिला, देखने को मिला लिखने पढ़ने के बाद, ट्रेडिंग एग्रीकल्चर तो था ही, तो वो दिखा कि पिक्टोग्राफिकल था। जैसे आज भी जापान और चाइनीज़ का पिक्टोग्राफिकल माना जाता है ना, ऐसे डॉट कैट पेट डॉट कॉमा पोस्ट पता नहीं क्या क्या होता था, वी कैन नॉट रीड। तो वो पिक्टोग्राफिकल जो लैंग्वेज यूज हुआ जिसके कारण आज भी हम उस लैंग्वेज को रीड आउट नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो इट इज़ स्टिल नॉट डेसिफाइड, इट इज स्टिल नॉट आइडेंटिफाइबल, करेक्ट। एक चीज़, दूसरा चीज़ है कि जो लाइन मिलता था या जो लिखा हुआ मिलता था वो छोटे छोटे दो डॉट्स या दो जो भी पिक्टोग्राफिकल में यूज हुआ, पता लगा कट पिट एक, कट पिट दो, और ये दोनों चीज़ इस्तेमाल हुआ, पता लगे लाइन ख़त्म। तो ये समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी स्टडी करने के बाद ये पता चला कि जो सबसे लंबा 10 से 10 कैरेक्टर का, मतलब जो ऐसा लग रहा है कि कैरेक्टर होगा 10 कैरेक्टर, जैसे अल्फ़ाबेट होता ना ABCD, वैसे ही 10 कैरेक्टर होगा उस पिक्टोग्राफिकल लैंग्वेज में, वो सबसे लंबा जो मिला वो धोलावीरा में मिला, जो कि इंडिया के गुजरात में ही है, करेक्ट। एकदम पाकिस्तान का बॉर्डर के पास है, जो कि गुजरात और पाकिस्तान को जहाँ कनेक्ट करता है ना, वहाँ पे आप देख लीजिएगा मैप में। हालांकि मैं मैप आपको दिखा चुका हूँ, तो आप यू विल बी ऑब्जर्विंग ओवर दैट, करेक्ट। तो ये हो गया आपका स्क्रिप्चर रिलेटेड। सो गाइज, आई होप कि आपको जो यहाँ पे जो कुछ भी मिला, बस ध्यान रखिएगा कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हुए होंगे, जैसे कई बार पूछा जाता है कि ग्रेट ग्रीनरी कहाँ मिला था, तो हड़प्पा में मिला था। तो ग्रेट बाथ कहाँ मिला था, तो मोहनजोदड़ो में मिला था। डॉकयार्ड कहाँ मिला था, तो लोथल में। कुछ ऐसे साइट्स हैं जो कि मैं आपको मैप में दिखा रहा हूँ और पहले भी दिखाया था इस वीडियो में, तो आप मैप को थोड़ा ज़्यादा विजुअलाइज कीजिएगा ताकि आप उस चीज़ को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकें, आपके माइंड में विजुअलाइज हो सके। सो गाइज, स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल एंड लिंक फॉर ज्वाइनिंग माई टेलीग्राम चैनल इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। दूसरा चीज़ है कि आने वाले दिनों में बहुत ही जल्द आपके लिए 67th का कोर्स लॉन्च होगा, बट बिफोर दैट यू शुड मेड योर बेस फंडामेंटल्स कंक्रीट सो दैट योर बिल्डिंग विल बी क्रिएटेड इन अ स्ट्रॉन्ग मैनर। थैंक यू।